अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम तनवीर निराली और आप देख रहे हैं निराली तनू मिला। तो आज जा रहे हैं बोतल पीने और पीस भी खाने और हम गांव वालों की ईद इतनी रौनकों से नहीं होती, बस यहीं पर हमारी दो जरी दे तो गोश्त वोश्त भी हुआ है आज सीट पर, तो वो भी शाम को खाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बोतल पीने। अस्सलाम वालेकुम जी, तो पहले अस्सलाम कर चुका हूँ। तो बोतल जो जी चाहे बोतल का, जैसे कि हमने बोला था तो मैं सिंधी में शुरू हो गया था, तो अपनी जो कि मादरी लैंग्वेज मेरी मतलब कि सिंधी है, तो उस वजह से सिंधी में शुरू हो गया। तो अभी बोतल पी रहे हैं कोका कोला। तो आपके इलाके में ये कितने की मिलती है? हमारे इलाके में जो कि कच्चे में भी 200 पर मिल रही है। तो अभी आज हम सवाल जवाब पूछेंगे, तो ईद है और ईद के बारे में पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसरूर से पूछते हैं, फिर सारे दोस्तों के पास आए। सुनाओ कैसी मतलब आपकी ईद गुजरी है? माशाल्लाह हमने कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन नहीं पहने। अच्छा, लेकिन हमारी ईद है ना वो बहुत अच्छी हुई। हमने ईद की नमाज भी पढ़ी, दोस्तों से मुलाकातें की, ईद मुबारक दी और यहाँ आके बैठ कर दोस्तों के साथ बोतल पी रहे हैं। बहुत मज़ा आया इस ईद में। और जैसे कि आपकी पिछला व्लॉग था जिसमें आपने बोला था कि लोड शॉट नहीं थे, यानी कि ईदगाह में, अगर आपको याद है वो व्लॉग वाला, तो अभी मतलब इंतजामिया का क्या मतलब आप अभी जबरदस्त हुआ था, लोड थे, बड़ी बड़ी मशीन थी, बड़े। तो जैसे कि बहुत ही अच्छी मतलब कि इंतजामिया थी, यानी कि ईदगाह के हिसाब से, तो ईदगाह के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, और जो कि ब्लेड स्लेट वगैरह लगाई गई थी ईदगाह में, और बहुत अच्छी जगह थी। तो बहुत अच्छे है, मतलब लॉर्ड शॉट वगैरह थे, और बहुत ही सुकून से जो कि नमाज अदा की, और पहले से ज़्यादा। तो अभी जाते हैं जमील अहमद के पास। जमील अहमद, आप सुनाएं आपकी कैसी ईद गुजरी? अच्छी, बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत। मतलब आपने नए जोड़े लिए कि नहीं? पहने नहीं जी, मगर पहने नहीं। अच्छा, लिए तो थे ना फाइक। आपने, आपकी ईद कैसी गुजरी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ ही गुजरी, जो हमारे माँ बाप थे उन लोगों के साथ ही गुजरी, दादा थे और कुछ वो जो भी हमारे अपने थे उनके साथ गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन हमने न्यू कपड़े लिए भी थे और पहने इसलिए नहीं कि जो हमारे अपने थे, कुछ जैसे कज़न वगैरह हो गए वो हमसे इस दुनिया से दूर चले गए, और इसी वजह से थोड़ा सा एहतराम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमने ईद नमाज तो पढ़ी है, इंशाल्लाह अगले ईद पर न्यू पहनेंगे कपड़े वगैरह और सच करेंगे। नहीं, वो जिंदगी का मसला है, अगर मर गए बोलते हैं मरने वाले की मिट्टी में काम रहा नहीं तो उसका गला दबा दे। हाँ, वो कपड़े नहीं पहने ये हमारे गांव में एक रिवाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी एहतराम। तो हर इंसान के हिसाब से इंसान को लाजम है कि अपनों का गम बनाए, और ईद का बड़ा दिन होता है और अपनों की याद भी आती है। दो गिलास पी गया है। सही था, आप भी कैसे ईद गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छा। और न्यू कपड़े लिए कि नहीं? न्यू लिए थे, ना पहने नहीं है। अच्छा, आपने भी मतलब के एहतराम किया। घट पी रहे हो क्यों? दिखा सकते वो न्यू लिए
आपके पढ़े हुए तो आइए हम अपना हाल हवाल देते हैं हमारी बेची गुजरी और ये चुराने जा रहा था मेरा ग्लास बोतल का। तो न्यू कपड़े मैंने नहीं लिए थे और मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने लिए थे, मैंने न्यू कपड़े नहीं लिए थे और पेटी में पाया है ताजा पाया है मावड़ ने का समझला। तो मैंने न्यू कपड़े नहीं लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी और ईद कपड़ों से नहीं होती अपनों से होती है, अपने साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ा है और बहुत खुश है और अपने अपनों से ईद मनाए और अपनों में ही रहे और दुआ है कि हर किसी का अपना जिंदा रहे और खुश और खुश इखलाकी से आबाद रहे और दुआ में याद रखिए तली राम निराली को और देखते रहिए निराली अल्लाह हाफिज चो अल्लाह हाफिज चो अल्लाह हाफिज चो अल्लाह हाफिज और स्पेशली हम समंदर को ईद मुबारक कहना चाहते हैं। समंदर आप यहाँ पर नहीं है और हम आपको मिस कर रहे हैं और काशिम को और वसीम को सारे जो कि हमारे जो शामंद है और कादिर है सादिक है, कितनों के नाम लें बहुत ही ज्यादा है, हमारी तरफ से ईद मुबारक।